नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। देश भर में चल रहे लोकसभा चुनाव के चलते राजनीति में कई ऐसे फेरबदल देखने को मिल रहे हैं जिसके बारे में शायद ही कभी किसी ने कल्पना भी की हो, क्योंकि देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव जारी है जो कि 7 चरणों में सम्पन्न होगा, जिसमें से 3 चरणों की वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस दौरान यूपी, बिहार और हरियाणा में काफी सियासी बदलाव भी देखने को मिले हैं, जिसको देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार की लोकसभा का जो मुकाबला है वो काफी ज्यादा मुश्किल है। यहाँ आपको बताते चलें कि भदोही से टिकट कटने से नाराज भाजपा के सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद अब साइकिल की सवारी कर सकते हैं। बीती रात से उनके फेसबुक अकाउंट की प्रोफाइल फोटो बदल गई है, अब कमल के स्थान पर साइकिल लगा दी गई है। उसके बाद से ही मिर्जापुर के सपा प्रत्याशी राजेश एस बिंद ने भी सोशल मीडिया पर आकर अपनी बात रखी। माना जा रहा है कि राजेश एस बिंद का टिकट काट कर सपा रमेश बिंद को मैदान में उतार सकती है। भदोही संसदीय सीट से वीरेंद्र सिंह मस्त का 2019 में टिकट कटने पर मिर्जापुर के मजवा से 3 बार बसपा के विधायक रहे डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद ने 2019 में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उसके बाद पार्टी ने भदोही सीट से प्रत्याशी बनाया। सपा बसपा गठबंधन में भी रमेश चंद्र बिंद ने गठबंधन प्रत्याशी पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा को हराया। 2024 के चुनाव में पार्टी ने रमेश बिंद का टिकट काट कर मजवा के विधायक डॉक्टर विनोद बिंद को प्रत्याशी घोषित किया। उसी समय से रमेश बिंद पार्टी से नाराज चल रहे थे। सभी दलों की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद रमेश बिंद के कहीं से भी चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लग गया, लेकिन गुरुवार की रात से राजनीतिक सरगर्मी तब बढ़ गई जब भाजपा सांसद की DP पर साइकिल का चुनाव चिन्ह लग गया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।